दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए JMT न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख पाए लेटेस्ट न्यूज वीडियो सबसे पहले। बिग बॉस का 11वां सीजन यानी कि लड़ाई झगड़ों में लिप्त कंटेस्टेंट्स और ढेर सारा विवाद। इस सीजन को शुरू हुए अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए हैं, लेकिन इन 2 हफ्ते में ही इस घर के अंदर इतना कुछ हुआ है कि दुनिया भर की नजरें सिर्फ इसी घर पर है। बता दें कि आज के एपिसोड में ऐसे कई धमाके होंगे जिसकी गूंज से हर कोई दंग हो जाएगा। कुछ देर पहले ही हमने आपको बताया था कि आज घर का पहला कैप्टन बनते ही विकास हिना खान को सबसे पहले जेल की हवा खिलाएंगे। इसके बाद पड़ोसी अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए अर्शी खान और सपना चौधरी को भी जेल में भेजेंगे। बता दें कि आज ही के दिन फ्राइडे का फैसला भी होने वाला है और इस दौरान पिछले सीजन के कंटेस्टेंट मनु पंजाबी सभी कंटेस्टेंट्स के पत्ते खोलते हुए नजर आएंगे। आज के फ्राइडे फैसला में जब जाने माने एंकर सौरभ शर्मा ने मनु से पूछा कि इतने मुंह हफत कंटेस्टेंट्स क्या कभी आपस में अच्छे दोस्त बन पाएंगे, तो इस सवाल पर मनु ने कहा कि जो समझदार लोग हैं वो आपस में दोस्त बनेंगे, वो लोग उनसे दोस्ती करेंगे जो लोग उन्हें समझ रहे हैं। बता दें कि पिछले साल मनु ने इस घर में एक कॉमनर के तौर पर एंट्री ली थी। मनु इस शो के टॉप 4 कंटेस्टेंट्स में शामिल थे। सीजन की शुरुआत में मनु ने अपनी हाजिर जवाबी से दर्शकों का दिल जीत लिया था और इस सीजन के विजेता मानव रघुर्जर के साथ उनकी यारी के किस्सों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। खैर, जिस तरह से मनु ने नए सीजन के कंटेस्टेंट्स के बारे में कहा है कि समझदार लोगों की आपस में काफी बनेगी, अब देखना होगा कि क्या मनु की बातें सच होगी या फिर हमेशा की तरह ही सारे कंटेस्टेंट ना राव देखेंगे ना ताव और एक दूसरे से लड़ते रहेंगे।